Hello friends, this is Mamta and it is my third day and third video. In it I will explain the remaining seven preparatory movements. जो पहली पांच है वो मैं आपको previous video में explain कर चुकी हूँ. जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपको ये standing position में करनी है और आपको अपने पैरों में एक से डेढ़ फीट का अंतर रखना है. अभी मैं सिक्स मूव से स्टार्ट कर रही हूँ. इसमें आपको ब्रीदिंग का क्या ध्यान रखना है, एक एक्चुअली फोर्थ एंड फिफ्थ जो मूव किया था उसको कंबाइन करके रोटेशन करना है वेस्ट से. और आपको ये करते टाइम ध्यान क्या रखना है कि आपकी लेग्स और आपके हैंड्स जिस पोजीशन में है उसी में रहने चाहिए, उस पर बेंड नहीं करने आपको, ना ही नीज और ना ही आपको ये आर्म्स बेंड करनी है. तो अभी स्टार्ट करते हैं सिक्स मूव. इसमें क्या करना है, पहले इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल अगेन इनहेल एक्सहेल इट वॉज अ सिक्स मूव. पहले आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ. जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे बीच में आके आपको ऊपर आते हुए इनहेल करना है, और जब आप नीचे जाओगे तो आपको एक्सहेल करना है. ऐसे जैसे आप राइट से लेफ्ट आओगे तो ऊपर आते टाइम आपको इनहेल करना है, जब आप नीचे जाना स्टार्ट करोगे तो आपको एक्सहेल करना है. ये था सिक्स मूव. अभी मैं करूंगी सेवन्थ मूव. सेवन्थ मूव में आपको क्या करना है, नेक मूवमेंट करनी है. इसमें ब्रीदिंग का कोई भी आपको ध्यान रखने का नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो. इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपने शोल्डर स्ट्रेट रखने हैं इसमें आपके, फिर आपको चिन को चेस्ट के ऊपर नेक के नीचे लगाने. पीछे स्ट्रेट लेफ्ट स्ट्रेट राइट ये था सेवन्थ मूव. पर इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि आप करते टाइम ऐसा कर लेते हैं, या आपको शोल्डर को नहीं उठाना है, या आप उसी पोजीशन में रहेंगे, बस आपको अपनी नेक मूवमेंट ही करना है. इससे क्या होता है, देखने में बहुत आसान लगती है लेकिन इट इज वेरी इफेक्टिव. इससे आपके जो ऊपर के दो तीन वर्टिब्रे हैं उसको अच्छे से एक्सरसाइज मिलता है, जिनका डबल चिन होता है वो खत्म हो जाता है, और क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है फेस में. तो आपको एक बार दोबारा से दिखा रही हूँ. अच्छे से स्ट्रेच करना है. अभी है एट्थ मूव. एट्थ मूव भी इसी तरीके से है लेकिन आपको उसमें नेक को रोटेशन देना है. इट वॉज द एट्थ मूव. नाइन्थ मूव क्या है, आपको इनहेल करना है, एक्सहेल, नमस्कार पोजिशन, नाउ रोटेशन, इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल. ये था नाइन्थ मूव. इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप रोटेट करते हो तो आर्म्स ऐसे हो जाते हैं कई बार. वो नहीं करना है आपको, आपसे होता है अगर रोटेशन पूरा नहीं होता है तो आप ऐसे कर सकते हो लेकिन आम सीधी ही रहेंगी. आपसे नीचे ज्यादा नहीं हुआ जाता, इतना ही होता है तो आप इतना ही करिए. लाइक
ये था 9th, अभी मैं आपको बताऊंगी 10th। इसके लिए आपको लेग्स में गैप कम करना होगा और आपको अपने एंकल्स पे आना है, सॉरी टो पे, इसमें आपको अपने टोज पे आना है, आर्म्स पैरेलल टू द ग्राउंड। अभी आपको बैठना है धीरे से, यू आर ऑन योर टोज। इसमें ब्रीदिंग कैसे करना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ये था 10th मूव। अभी मैं आपको बताऊंगी 11th मूव, उसमें मैं क्या करना है आपको, आर्म का 90 डिग्री का एंगल बनाना है, इसको रिस्ट के ऊपर से पकड़ना है और इसको ट्विस्ट करना है लाइक दिस, 5-6 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5-6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी ब्रीदिंग का कुछ भी नहीं है, अभी राइट हैंड साइड से ऐसे 9 डिग्री का एंगल इसके ऊपर से पकड़ना है, वैसे ये देखने में बहुत आसान है, लेकिन क्या करते हैं ऐसे कर जाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं। आपको 90 डिग्री का एंगल रख के आपको सिर्फ अपने रिस्ट को ट्विस्ट करना है। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 12th मूव, इसमें क्या करना है, बैक 90 डिग्री के एंगल पे आपको उठानी है, यहाँ पे आपको सपोर्ट देना है और रोटेट करना है अपने पैर को 5-6 टाइम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सेम फ्रॉम द राइट लेग, अगर आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते तो आप दीवार का सहारा लेके भी खड़े हो सकते हैं, ऐसे आप बॉल के पास खड़े हो जाइए और ऐसे हाथ अपना दीवार पे रख के तो भी आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ये हो गई अभी आपकी 12 प्रिपरेटरी मूवमेंट्स, तो इसको करने में हार्डली 8-10 मिनट लगते हैं। मैंने आपको सबसे पहला स्टेप बताया था ओंकार और गुरु वंदना, और उसके बाद बताएंगे आपको 12 प्रिपरेटरी मूवमेंट्स। ओंकार और गुरु वंदना करने में 5 मिनट और ये प्रिपरेटरी मूवमेंट्स करने में 10 मिनट। आपको हर मूवमेंट को दो बार रिपीट करना है। और जो स्टार्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, बिगनर्स हैं जो जिन्होंने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं किया, वो पहले 3 ओंकार बोल लें, उसके बाद गुरु वंदना, और इसके 3-4 सेट एक हफ्ते तक ये ही करें, क्योंकि अगर ज़्यादा करने जाओगे तो आपको बॉडी सोरनेस हो सकता है। तो इसलिए जो करते रहते हैं उनको क्या करना है, पहले सूर्य ओंकार, फिर सूर्य सॉरी पहले ओंकार, फिर आपको करना है गुरु वंदना, और फिर आपको करने हैं ये प्रिपरेटरी मूवमेंट्स, और हर एक मूवमेंट के दो दो सेट करने हैं, इसमें आपके 15 मिनट लगते हैं। और आपको ये जो मैंने दिखाया है, मैंने आपको दिखाई है इसके बिल्कुल आइडियल, वो आप एकदम से नहीं पहुंच सकते, आपको अपनी कैपेसिटी से करना है। जैसे मैं बेंड होती हूँ इतना नहीं होने, आपको जिनको स्पाइन में पेन है, जिनको नीज में पेन है, वो अपना देख के करें थोड़ा, क्योंकि वो इतना सीधा नहीं रखेंगे इसको, थोड़ा ऐसे करके ऐसे जैसे धीरे धीरे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ तक ही आए, धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, पहले और ज़्यादा वो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करें, रोज थोड़ा थोड़ा और पीछे जाएं और नीचे ज़्यादा आने की कोशिश करें, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो ये था अपना पूरा प्यारी योगा की, और जो एग्जैक्ट जो प्रॉपर योग है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, सूर्य नमस्कार। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सूर्य नमस्कार कैसे करना चाहिए, किन को नहीं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ब्रीदिंग के साथ कैसे सिंक्रोनाइज करना चाहिए, कैसे उसमें प्रोग्रेस करनी चाहिए, ये सब बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।